देख रहे हैं सच दर्शन। दिवाली हिंदू धर्म का मुख्य पर्व है। रोशनी का पर्व दिवाली कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है। दिवाली को दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि दीपों से सजी इस रात में लक्ष्मी जी भ्रमण के लिए निकलती हैं और अपने भक्तों को खुशियां बांटती हैं। हिंदू मान्यता अनुसार अमावस्या की रात्रि में लक्ष्मी जी धरती पर भ्रमण करती हैं और लोगों को वैभव का आशीष देती हैं। दिवाली के दिन दीप दान का विशेष महत्व होता है। नारद पुराण के अनुसार इस दिन मंदिर, घर, नदी, बगीचा, वृक्ष, गौशाला और बाजार में दीप दान देना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन यदि कोई श्रद्धा पूर्वक माँ लक्ष्मी की पूजा करता है तो उसके घर में कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता। इस दिन गायों के सींग आदि को रंग कर उन्हें घास और अन्न देकर प्रदक्षिणा की जाती है। रोशनी का उत्सव दीपावली असल में दो शब्दों से मिलकर बना है, दीप प्लस आवली, जिसका वास्तविक अर्थ है दीपों की पंक्ति। वैसे तो दीपावली मनाने के पीछे कई सारी पौराणिक कथाएं कही जाती हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से प्रचलित मान्यता है वो है असुर राजा रावण पर विजय और भगवान राम का 14 साल का वनवास काटकर अपने राज्य अयोध्या लौटना। इस दिन को हम बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए भी जानते हैं। 5 दिनों के इस पर्व का हर दिन किसी खास परंपरा और मान्यता से जुड़ा हुआ है, जिसमें पहला दिन धनतेरस का होता है, जिसमें हम लोग सोने चांदी के आभूषण या बर्तन खरीदते हैं। दूसरे दिन नरक चतुर्दशी का होता है, जिसमें हम लोग शरीर के सारे रोग और बुराई मिटाने के लिए सरसों के तेल का उपटन लगाते हैं। तीसरे दिन मुख्य दीपावली होती है। इस दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है, जिससे घर में सुख संपत्ति का प्रवेश हो। चौथा दिन गोवर्धन पूजा के लिए होता है, जिसमें भगवान कृष्ण की आराधना की जाती है। लोग गायों के गोबर से अपनी दहलीज पर गोवर्धन बनाकर पूजा करते हैं। और अंत में पांचवा दिन भाई बहन का होता है, अर्थात इस दिन को भैयादूज कहते हैं। दीपावली पर्व भारतीय सभ्यता की एक अनोखी छटा को पेश करता है। सच दर्शन की टीम की ओर से समस्त देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।